सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, बड़ी बड़ी हमारा महाभारत भी है, रामचरितमानस है, वाल्मीकि है, वेद है, पुराण है, कि सबका निचोड़ गीता है। गीता को वेद व्यास द्वारा रचित है, दोनों के बीच का वार्तालाप है। ये वार्तालाप तब इसको एक लिपिबद्ध कर दिया गया है। यही कहना है। दूसरी बात, आज क्रिसमस का डे है, प्रभु यीशु का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, उनके माता का नाम मरियम था, उनका गौशाले में उनका जन्म हुआ था, है कि नहीं। इतने महान हो गए कि कहने की बात नहीं है, उनके द्वारा जो धर्म चला गया उसको ईसाई धर्म। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया, षष्ठ न्यूज में हूं मंजीत। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के रामनगर में। आपको बता दें कि यहां पे हमारी टीम जहां पहुंची है, बड़े हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस डे मनाया गया, और साथ ही साथ गीता जयंती का भी उपलक्ष में संदेश दिया गया। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जीवन के जो रहस्य हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये कार्यक्रम किया गया आज क्रिसमस डे के अवसर पे, और ये गीता जयंती के अवसर पे केक कटिंग करके समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। हमारी टीम जहां पहुंची है दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल रामनगर सिवान, इंग्लिश मीडियम यह स्कूल है, और जो समाज में बहुत बड़ा काम कर रहा है। आइए, हमारे साथ यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं वो जुड़ चुके हैं, अपने बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं समाज के बीच में। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप लोग बड़ा काम कर रहे हैं समाज के बीच में। क्या कुछ कहेंगे सर आज? हम कहेंगे कि गीता जयंती और क्रिसमस डे दोनों एक साथ मनाया जा रहा है, यह जो है मेलजोल का पर्व है क्रिश्चियन और हिंदुओं के साथ है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म और ईसाई धर्म एक साथ मनाया जा रहा है। सर, एक खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ पे समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी। यहाँ पे बच्चों को एक सम्मानित भी कर रहे हैं, आज केक कटिंग हुआ, सम्मानित किया गया बच्चों को जी, सेंटा क्लॉज बनाकर जी, सबको गिफ्ट हैंपर दिया गया जी। दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल काफी समाज में एक उम्दा स्थान ला चुका है जी, और इस क्षेत्र में एक बेहतरीन एजुकेशन भी देता है इंग्लिश मीडियम के माध्यम से। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हमारी भारत की जो संस्कृति है उसको भी आप कायम रखे हुए हैं सर जी। जी जी, हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, हमारा धर्म एक ही सनातन है, उसके बाद से जितने लोग हैं वो पंथ हैं, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, धर्म नहीं है, है कि नहीं। ईसाई भी धर्म नहीं है, वो पंथ है। सबसे मेरा सनातन धर्म है, जिस धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ, और उसी में गीता रामायण महाभारत सब आते हैं, इधर के सब ब्रांच हैं। एक सवाल ये भी है सर कि हम लोग बहुत सारे स्कूल में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि मतलब जो पश्चिमी सभ्यता है भारत उसको ज्यादा अपनाता है, और जैसे इंग्लिश बात करेंगे इम्पोर्टेंट है और ये हमारा कल्चर नहीं है, इम्पोर्टेंट बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जो है, संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, भोजपुरी लैंग्वेज है, इन सबको भी तवज्जो देना चाहिए, जैसे आप दे रहे हैं आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में भी आपने बातों को बताया सर। सबसे पुरानी संस्कृत भाषा है, चाहे ईसाई धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, सब लोग स्वीकार करते हैं, उसी से मदर शब्द से मातर बना है, पितर शब्द बना है। ईसाई धर्म स्वीकार करता है कि मूल जो है संस्कृत, हमारा सनातन धर्म है, संस्कृत है, संस्कृत से ही फारसी और अरबी निकला हुआ है, इंग्लिश भी निकला हुआ है, बहुत से शब्द संस्कृत के हुबहु उसमें उसी तरह मिलते हैं, है ना। ये सब स्वभाग्य की बात है कि उस भाषा से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मैं इंग्लिश मीडियम से MSc किया हूँ 1980 में, जिस समय कोई नहीं जानता था मुजफ्फरपुर से, फिर भी संस्कृत को मैं जानता हूँ। दूसरी बात, जब पहले पहले स्पेशल पेपर पढ़ाने आए अमरेंद्र त्रिपाठी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उन्होंने बिलोंग किया कि संस्कृत से निकला हुआ चीज जाकर के अल्बर्ट आइंस्टीन के पास पहुंच गया, है ना, और उसी से उन्होंने रिलेटिविटी का निर्माण किया। मेघनाथ साहा जो केमिस्ट्री फिजिक्स से बहुत बड़े विद्वान थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, उनसे मिलने गए तो कहा कि दुख की बात है कि अपने भाषा को अपना ही जानते हैं, संस्कृत में सब कुछ छिपा हुआ है और उसी का सब जगह प्रसार हो रहा है, हम लोग उसको भूलते जा रहे हैं, ये दुख की बात है, हमको नहीं बोलना चाहिए। जिस धर्म से, जिस हम लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं उसको भी अपनाइए, दूसरों को भी सीखिए, दूसरा धर्म छोटा नहीं है, उसको भी मैं आदर करता हूँ, लेकिन अपने धर्म को तो
अपनाना ही है, उसको भूलना नहीं है। लेकिन एक बात और है, हमारे इंडियन नकल करना जानते हैं, अपने को भूल रहे हैं और दूसरे की नकल करना जानते हैं। क्या बात है कि नहीं? तो दुख की बात है, अपने मजहब को भूलना नहीं है। देखिए सर ने जो कहा कि भारत की जो सभ्यता है उसको भूलते जा रहे हैं और दूसरे की सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज मूवमेंट है गीता जयंती के शुभ अवसर पर भी बच्चों को सम्मानित किया गया, बताया गया, तो गीता जयंती है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? गीता जयंती है आज सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ, बहुत से हैं लेकिन सब ग्रंथों का निचोड़ गीता है। सुखदेव ने भी सुस्वीकार किया रे अपरिचित के समय, जब तक्षक आया था उनको डसने के लिए, है ना? तो सब लोग आज स्वीकार कर रहे हैं कि गीता, इस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं कि युद्ध के मैदान में जब तीर और चल रहे हैं, तरह तरह के शस्त्र कुरुक्षेत्र में चल रहे हैं, उस समय कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा है, तर्क वितर्क, एक बहुत ताजुब की बात है, एक दूसरे को आमने सामने मार रहे हैं। कृष्ण जो अपने मुख से गीता का निर्माण कर रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं, अर्जुन को जहाँ भी संदेह होता है कृष्ण बोलते हैं और रथ को भी संभालते हैं। आज विश्व उस पर रिसर्च कर रहा है कि ऐसी कैसा है बात, युद्ध के मैदान में गीता का निर्माण हुआ जो सबसे श्रेष्ठ है, ये ताजुब की बात है और रिसर्च का विषय है, सारे विश्व के लोग लगे हुए हैं, क्या बात है, सबसे निचोड़ है और युद्ध क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ। गीता का सर कुछ मंत्र एक या कुछ श्लोक एक मंत्र। अभी तो बहुत मैथी हो गया हूँ, एक सर एक, अभी तो मुझे पूरा से नहीं याद है, लेकिन वो कहे हैं गीता में कृष्ण जिस आत्मा को न मार सकते हैं, न पानी से भिंगो सकते हैं, न जला सकते हैं, न शस्त्र से छेद सकते हैं, ये जो आत्मा है अमर है। आइए कुछ यहाँ पे और भी टीचर हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए टीचर बहुत बड़ी काम करती हैं लोग, और मैडम हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम कितनी खुशी हो रही है आज अपने बच्चों को आप लोग सम्मानित किए, सबको सेंटा क्लॉज बनाए और सबको गिफ्ट हैम्पर भी दिए, और आज क्रिसमस डे है, साथ ही साथ गीता जयंती भी है, क्या कुछ कहेंगे? पर फिर भी हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि मतलब इनके बारे में ये लोग भी जान जाए कि मतलब आज क्रिसमस डे मतलब है, तो हम लोग इसके बारे में जान जाए, हम लोग इसके बारे में बताते भी हैं स्कूल में, बच्चों लोग को जागरूक करते हैं कि मतलब अच्छे से तैयार होके मतलब इतना काम करें। क्या मैसेज देना चाहिएगा अभी जो पब्लिक है, जो हमारे समाज के पेरेंट्स हैं, उनसे क्या अपील करिएगा? हमारे स्कूल में मतलब पढ़ाई से लेके और बच्चों को शिक्षा वगैरह अच्छे से दिया जाता है, बच्चों को ग्रुपिंग वगैरह मतलब खेल कूद का सब कुछ किया जाता है, तो हम तो यही बोलेंगे कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो हमारे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा आप मतलब ये करें, भेजिए बच्चों को। आइए एक और हमारे साथ सर है, उनसे बात करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में और साथ ही साथ कृष्ण जी के उपलक्ष्य में, आपके स्कूल में आज ओकेजन किया गया, सेलिब्रेशन किया गया, कितनी खुशी? क्रिसमस डे के साथ साथ गीता जयंती को भी मनाएं और अपने स्कूल में और बच्चे लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हम लोग अपना कल्चर है, कल्चर को ना भूले, जो भी सभ्यता उनको अपना रहे, न्यू जनरेशन जो भी है वो सारी चीजों को हम लोग अपना रहे हैं, लेकिन अपनी कल्चर को सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए, इसी चीजों को लेकर के हम अपने बच्चों को यही संदेश दे रहे हैं। एडमिशन के लेकर क्या कुछ कहिएगा? हम लोग का मिशन यही है कि बच्चों की तरफ से एजुकेशन के साथ साथ कल्चर भी रहे, कल्चर जो बच्चे अभी अपने जो ब्रिटिश कल्चर को भूल रहे हैं, ब्रिटिश कल्चर को ना अपना, एक अपना जो सनातन कल्चर है उस कल्चर को अपनाते रहे। चलिए थैंक यू सर। हमारे स्कूल में इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत की भी पढ़ाई होती है, और मैं कहता हूँ कि संस्कृत सबसे बड़ी समृद्ध भाषा है, इसको भूलना नहीं है क्योंकि सब भाषाओं की जननी है, तो हम और काम करते हैं। और भी हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं जुड़ी हैं उनसे बात करते हैं। आप स्टूडेंट हैं ना? क्या नाम है आपका? अनुष्का सिंह जी। क्या बनना चाहती हैं लाइफ में? डॉक्टर। आज आपके स्कूल में सेलिब्रेशन किया गया क्रिसमस डे और साथ ही साथ गीता जयंती के उपलक्ष्य में, कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ कहिएगा? बहुत खुशी हो रही है जी। आइए आपका नाम क्या हुआ? निधि कुमारी जी। आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर जी। आपके स्कूल का नाम जो है दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल, कितनी बड़ी कामयाबी ला सकती है आपके जीवन में? बहुत बड़ी जी। क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। मतलब सेम थॉट है। चलिए आपका नाम क्या हुआ? अंशु कुमारी जी। आप क्या बनना चाहती है? आईपीएस। चलिए जोरदार ताली करेंगे लिए। आपका मोटो आईपीएस बनना है, तो ये दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में कब से स्टडी करें, कितने साल हो गया आपको पढ़ाई करते हुए? 4 साल। 4 साल हो गया। अब तक आपने क्या मतलब जिंदगी से क्या कुछ सोचा है, क्या पाया है, क्या आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको यहाँ पढ़ाई करके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा।